सीकर लोकसभा, देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े सभी पीठासीन अधिकारी, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय स्पीकर साहब का और आप सबको माननीय चेयरमैन लोकसभा की तरफ से भी स्वागत करूँगा। यह अवसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने आज 100 साल पूरे किए हैं। इस फोरम ने समय और जरूरतों के अनुसार लेजिस्लेटिव वर्किंग के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए प्रोसेस इवॉल्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका का काम किया है। यह खास अवसर है आज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी पर यह आयोजन हो रहा है। मैं शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पत्थर युग से आज दुनिया जिस किनारे खड़ी है, चौथे औद्योगिक क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में डेमोक्रेसी से बेहतर कोई व्यवस्था नहीं हो सकी, जिसमें जैसे गांधी जैसे लोगों ने कहा कि समाज के अंतिम आदमी को भी हिस्सा मिलता है। पर आज इस आदर्श को और बेहतर बनाने के लिए जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन पर कम से कम हमें गौर करना चाहिए, आपस में संवाद बनाना चाहिए और उसके लिए रास्ता निकालना चाहिए। मित्रों, डेमोक्रेसी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है और डॉक्टर आंबेडकर साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि रियल डेमोक्रेसी तब तक नहीं आएगी जब तक ये सारी चीजें धरती पर क्रियान्वित न हो। उन्होंने कहा, इट्स ओनली बाय मींस ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दैट वी ट्राई टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दैट इज व्हाई ही सेड दैट फर्स्ट थिंग वी मस्ट ट्राई टू डू इज टू होल्ड फास्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉर अचीविंग आवर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। फॉर हिम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स वेयर नथिंग बट ग्रामर ऑफ एनार्की and sooner these are abandoned better for us. He said that democracy cannot long survive whether the loudest voice counts as voice of wisdom or when coercive pressures take the place of reason and persuasion. Aur Gandhi ji ne to bahut pehle is mulk ko bataya ki indiscipline is a form of violence. He believed in purity of means for doing anything. In a rule of law, we are governed by laws passed by legislatures, which are approved after discussion and debates. Parliament शब्द का मतलब ही है a forum of discussion. When every public matter is to be decided by discussion in legislatures, there has to be order in them. क्योंकि disorder और discussion cannot go together. Since it is a forum where different and competing interests are allowed to pursue their cause, sometimes some kind of disorder is unavoidable and permissible in it. Therefore, we have rules of procedure for regulating their work. Spirit behind the rules of the houses are the decision by majority and the protection of views of opposition. And who shall enforce these rules of behavior inside the house? It is the presiding officers. While the presiding officers are required to be fair and impartial in their exercise of their authority, members are also expected to follow these rules and standard of behavior in the houses. Then we have government and opposition as two very important partners in parliamentary business. They should have a respect for each other and be guided by the spirit of accommodation and consensus building. Or inme se koi balance agar kahin tootta hai to problems shuru hoti hain. इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट जनरेशन पार्लियामेंटरियंस ने इस बैलेंस को बनाकर रखा। अब हम सब पर दायित्व है कि इस बैलेंस को और कैसे हम प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें, जिसके लिए उन्होंने, यानी हमारे पुराने पार्लियामेंटरियंस ने शुरू में हेल्दी प्रैक्टिसेज और प्रेसिडेंट्स की नींव डाली। हमें स्वीकार करना चाहिए कि वह बैलेंस आज डिस्टर्ब हो रहा है और संसद में या विधानसभाओं में जो कुछ देखने सुनने को मिलता है उसे कैसे हम इससे निकलें। जो माननीय लोकसभा स्पीकर साहब ने कहा कि हमारी एजेंडा पर हो कि जो चीजें हो रही हैं उसको हम कैसे बेहतर बनाएं, मैं कहना चाहूंगा कि हाउस चलाने में आज दिक्कतें क्या रही, क्योंकि इस फोरम पर ही बात होनी चाहिए। और मैं कोट करना चाहूंगा माननीय स्पीकर लोकसभा में रहे फॉर्मर स्पीकर श्री सोमनाथ चटर्जी जी को। वंस ही एक्सप्रेस हिज डिलेमा व्हेन ही सेड, आई कोट, इफ आई टेक ए स्ट्रॉन्ग एक्शन आई एम ब्लेम्ड फॉर बींग पार्टिसन एंड इफ आई टेक ए माइल्ड एक्शन then also I am accused, unquote. The presiding officers in fact enforce rules of house which are decided by the members themselves collectively. Whatever powers and discretions the chair has, these are basically for maintaining order and discipline in the house.
मेरा मानना है कि सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर इज इनबिल्ट इनटू द लेजिस्लेचर्स व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड इफ वन डज नॉट गेट चांस टू वॉइस हिज जेन्युइन कंसर्न इन द हाउस बाय अवेलेबल मींस ही मे फील कंपेल्ड टू शाउट और वॉक आउट टू अट्रैक्ट अटेंशन बट इट नीड्स टू बी रेयर सॉलिटरी एंड स्पॉन्टेनियस नॉट द काइंड ऑफ प्लान डिसरप्शंस contribution of anti-defection law cannot be ruled out in this regard. We need to deliberate on this also separately. Disruptions may be resorted to attract attention of media, but it costs heavily to the nation. Apart from wasting huge amount of public money due to disruption and blocking necessary laws has imminent social and economic cost to the people. Disruptions in house disrupts the life of the people also. Not holding question hour is negation of ensuring the government's accountability to the legislature. If disruptions and deadlock replace discussion and debate in legislatures, it will be antithetical to democratic system. पिछले कई दशकों से sittings की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है, पर disruption के कारण अगर काम न हो, तो will reach a stage where the very relevance of our legislatures will be put to question. In such a case, people may question about this system. India's largest voters are young. हमें उनके faith को, उनके ambitions को, aspiration को मजबूत बनाने के लिए democratic system में उनके faith को बढ़ाना पड़ेगा. Millennial में उनका faith कैसे मजबूत हो, यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसे हमें ensure करना चाहिए. Friends, there cannot be more authoritative and appropriate forum than this platform of the presiding officers of legislative bodies in India to discuss the issues relating to the way our houses are functioning and how to improve it. As I said, this August forum also has been no doubt continuously taking note of parliamentary aberrations from very beginning. Such issues have been discussed many times and committees were also formed to suggest way out. But unfortunately, this could not bring the desired impact so far. Therefore, centennial year of AIPOC is the best time to introspect as well as resolve firmly to correct this situation before it is too late collectively. मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ओडिया में मैंने पिछले कई वर्षों के All India Presiding Officers Conference के concerns को मैंने एक जगह निकाला था और कहा था कि हम हमेशा इन चीजों पर डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसका रास्ता और सॉल्यूशन निकालें। मैं एक दो सुझाव और देना चाहूंगा। हमारे सामने आज दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और बड़ी चुनौतियां हैं। और देर इज ए सेइंग फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। ए डायनेमिक लेजिस्लेचर शुड बी able not just to hear the concerns of constituency issues, but also understand the gravity of future challenges and deliberate on them. We need to introspect whether our legislatures are spending enough time to discuss them. For example, Finland has a future committee to look at long-term issues. Parliaments of Scotland, the UK, Canada have an active post-legislature scrutiny process to understand whether laws passed have delivered on their intent. A dynamic legislature should be able to adopt the needs of changing times. In this regard, I wish to highlight some possible areas that my fellow presiding officers can think of going forward. Presiding officers must deliberate on having dedicated time or even a small session to hold debates on important issues that impact the state. For example, climate change, the impact of technology on employment, artificial intelligence, extra are subjects that require our attention beyond political interest. In this context, it's important for presiding officers to take steps to push for better training facilities for the members with respect to both rules of conduct and various policies to raise the standards of discourse in the legislatures. I also want to highlight the positive outcomes of the work of legislatures. For example, despite high disruption during the recently concluded monsoon session, 8 different parliamentary committees continued to meet during the intersession and published 11 reports on the impact of COVID on relevant sectors and provided valuable suggestions to mitigate the challenges. Therefore, parliament and legislatures need to engage with citizens and communicate about their work as well. We need millennials to engage
with the institutions at a national and state level. The legislature plays an important role in the scrutiny of rules and regulations framed under an act of parliament or state assembly. I hope that legislatures in the states take effective steps to ensure such examination is carried out regularly. A periodic review of rules and regulations is also an indicator to assess whether the law is achieving its intended purpose. Lastly, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम यह बैलेंस बेहतर नहीं करते हैं और फंक्शनिंग बेहतर नहीं करते हैं तो इस संदर्भ में हमारे हीरेन मुखर्जी जो लेजेंडरी पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने क्या कहा. वी इनफैक्ट इनवाइट जुडिशरी टू इंटरवेन ऑन लेजिस्लेचर्स इंटरनल मैटर्स. लेट श्री हीरेन मुखर्जी हैज वॉर्न्ड वे बैक इन 1978 दैट इफ पार्लियामेंट डिड नॉट प्राइज इट्स डिग्निटी इट्स पावर ऑल्सो विल बी इंपेरिल्ड. स्पीकर सर, I want to conclude by quoting what Dr. Rajendra Prasad said in the Constituent Assembly when Constitution of India was adopted. He said, I quote, if people who are elected are capable and men of character and integrity, they would be able to make the best even of a defective constitution. If they are lacking in this, the constitution cannot help the country. After all, a constitution like a machine is a lifeless thing. It acquires life because of the men who control it and operate it. And India needs today nothing more than a set of people who will have the interest of country before them. It requires men of a strong character, men who will not sacrifice the interest of the country at large for the sake of a smaller groups and areas, who will rise over the prejudices which are born of these differences. Bahut dhanyawad sir. Thank you. Jai Hind.